हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओप्पो A37 के बारे में कि आप लोग किस स्टेप से अपने ओप्पो A37 में आप लोग यहाँ पे जो वॉइस लॉक का लाभ उठा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आप लोग के यहाँ पे सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बगल में बेल आइकन दबाना बोले यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना बोले। तो चलिए बात करें टॉपिक की। तो सबसे पहले आप लोग को जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोग क्या पे क्या क्या प्रोसेस जो रहती है फॉलो कर लेंगे। तो चलिए मैं एप्लीकेशन कैसे ओपन कर लेता हूँ, इसका लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, इन फर्स्ट में आप लोग को क्या डालना रहता है, अपना वॉइस डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपनी आवाज़ यहाँ पे डालना पड़ता है, जो भी आप लोग आवाज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे खोलना चाहते हैं आप लोग लॉक डालना चाहते हैं, तो आवाज़ आप लोग को डालना पड़ेगा। और मैं अभी आप लोग को नहीं बता सकती हूँ कि अभी मेरा फ़ोन माइक से कनेक्ट है, और माइक से कनेक्ट होने के बाद जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता उससे। तो मैंने ऑलरेडी करके रख चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा स्लाइड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट रिकवरी पासवर्ड, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। ये क्या रहता है कि जैसे आप लोग का वॉइस अगर आप लोग भूल गए, तो यहाँ पे आप लोग जो ये पासकोड डाल के भी खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा पासकोड डाल देता हूँ, हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको स्लाइड करता हूँ, उसके बाद अनेबल नोटिफिकेशन एक्सेस, इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मैं यहाँ पे इसे वो दे दूँगा, परमिशन दे दूँगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग इसे परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैक कर दूँगा इसे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अनेबल वॉइस पासवर्ड, आप लोग इसे ऑन कर लीजिएगा। चेंज वॉइस पासवर्ड, यहाँ पे आप लोग चेंज वॉइस पासवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज रिकवरी पासवर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे सो टच सो स्विच आइकॉन्स यहाँ पे कर सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड लॉक डिले सो नोटिफिकेशन बार डिसेबल फ्रॉम बिगिंग पुल्ड डाउन। तो यहाँ पे आप लोग कुछ बेसिक सेटिंग दी जाती है, तो आप लोग इसे फॉलो कर लीजिएगा या आप लोग अपने हिसाब से कोई भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग कुछ बेसिक सेटिंग रहती है, तो यहाँ पे लिखा था अनेबल लॉक स्क्रीन, तो आप लोग इसे जो है ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ इसको, अब देखते हैं कि हमारा लॉक स्क्रीन किस टाइप से वर्क कर रहा है। उससे पहले आप लोग जैसे परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन कैसे दें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप लोग को परमिशन देने के लिए अपने फोन का जो सिक्योरिटी सेंटर है वो एप्लीकेशन ओपन कर लेना, उसके बाद फ्लोटिंग विंडो मैनेजमेंट में चले जाना। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे प्राइवेसी परमिशन पे चले जाएगा बीच वाला ऑप्शन, उसके बाद आप लोग को फोर्थ वाला ऑप्शन देता है फ्लोटिंग विंडो मैनेजमेंट, इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वॉइस लॉक स्क्रीन को आप लोग यहाँ से जो परमिशन दे दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फोन की स्क्रीन मैं ऑफ करता हूँ, देखते हैं किस टाइप से हमारा वॉइस लॉक जो है वर्क कर रहा है। हेलो, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वॉइस लॉक वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे अभी, मैं क्योंकि अभी मेरा फोन में जो माइक यूज है तो यहाँ पे आप लोग को नहीं बता सकता मैं, बट आप लोग यूज करिएगा, काफी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। आप लोग यहाँ पे वॉइस से नहीं खोलना चाहते तो आप लोग का जो है रिकवरी पासवर्ड से भी आप लोग यहाँ पे खोल सकते हैं। और अभी मैं आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जो मेरा माइक कनेक्ट है मेरे फ़ोन से, तो अभी जो है खुद नहीं खुल पा रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करें दोस्तों आप अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो कमेंट करना बोलिए मैं उस पर वीडियो ना कि आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।